जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल दयाप्रण में। आज हम बात करने वाले हैं एक्सीलरेशन ऑफ फिक्स पुली या फिर टेंशन ऑफ द फिक्स पुली की। सबसे पहले जान लीजिए फिक्स पुली होता क्या है। तो जैसे कि ये एक पुली है, अगर अपने एक्सिस पे ही क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो इसको हम फिक्स पुली कहते हैं। अगर ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के साथ साथ ऊपर और नीचे भी जा रही है, यानी ऐसे ऐसे भी रोटेट कर रही है और ऊपर और नीचे भी जा रही है, इसको हम मूवेबल पुली कहते हैं। तो आज हम फिक्स पुली की बात करेंगे। तो फिक्स पुली की एक्सीलरेशन का जो फार्मूला होता है ना, इसका फार्मूला होता है मोर वेट। क्या? मोर वेट माइनस लेस वेट। ठीक, मोर वेट माइनस लेस वेट अपॉन टोटल मूविंग मास। टोटल मूविंग मास, ठीक। तो अगर मान लीजिए एम टू ज़्यादा है और एम वन कम है तो ये चीज़ नीचे जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा नीचे लगता है, एक्सेलरेशन कभी भी ऊपर नहीं लगता है। अगर एम टू ज़्यादा है तो ये नीचे और ये ऊपर जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एम टू, ध्यान रहे कि ऊपर वेट से मल्टीप्लाई करना है, यानी वेट लिखना है और नीचे मास लिखना है। तो वेट बराबर क्या हो जाता है? एम टू जी माइनस एम वन जी अपॉन टोटल मूविंग मास। टोटल मूविंग मास मतलब एम वन प्लस एम टू। क्या? एम वन प्लस एम टू, ठीक। तो इसको हम एज अ फार्मूला लिख लेंगे। किसका? एक्सेलरेशन का फार्मूला हम इसको ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं हमारा इसका वेट है 10 किलो 10 और इसका कितना है? 5 है। इसका एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा? एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा इसका, आप एक बार निकाल के देखिए। चलिए हम बताते हैं। तो एक्सीलरेशन बराबर क्या हो जाएगा? जिसका ज़्यादा है, ज़्यादा किसका है? 10 का। 10 इंटू जी की वैल्यू कितनी होती है? 10 माइनस 5 इंटू 10 अपॉन टोटल मूविंग मास 10 प्लस 5 15। तो अभी आप कहेंगे कि सर आपने तभी लिखवाया है कि एम टू जी माइनस एम वन जी, और अभी आप एम वन जी माइनस एम टू कह रहे हैं। तो भैया इसमें से जिसका भी मास, जिसका वेट ज़्यादा होगा उसी को हम कम वाले से घटाते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 100 माइनस 50 बराबर क्या हो जाएगा? 50 बटे 15, ठीक। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया, ठीक, कितने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो एक्सीलरेशन क्या है? ज्यादा माइनस कम बटे टोटल मास। टेंशन निकालना बताएंगे तो बुक्स में आपको टेंशन निकालने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, तो आपको टेंशन निकालने में ही टेंशन हो जाती है। तो इस अब हम आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताएंगे। ट्रिक क्या है? कभी टेंशन निकालना हो तो क्या करना है? मोर माइनस लेस बराबर एम ए करना है। क्या? मोर माइनस लेस बराबर एम ए। और ध्यान रहे, जैसे कि अगर कोई एक ही रस्सी से जुड़ा हुआ है तो जो यहाँ के तनाव होगा वहीं पे यहाँ पे तनाव होगा, ठीक है। तनाव दोनों का अलग अलग नहीं होगा क्योंकि एक ही रस्सी है, ठीक। तो हमें क्या करना है? मोर माइनस लेस बराबर एम ए। तो हम मान लेते हैं कि एम टू ज़्यादा है हमारा, तो हम क्या कर लेंगे? एम टू जी, क्योंकि ये नीचे जा रहा है, माइनस यहाँ पे ऊपर क्या लग रहा है? एम वन जी, एम वन जी, इसको हम टेंशन ले लेंगे। एम टू जी माइनस टी बराबर, हम इसका निकाल रहे हैं ना, तो इसका मास क्या? एम टू इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कहाँ का? जो हमने अभी इसके पहले हम एक्सीलरेशन का आपको निकालना सिखाए थे, फार्मूला बता दें कि एक्सीलरेशन निकालते कैसे। बात करने हैं कि टेंशन कैसे निकाला जाएगा। तो बुक्स में इतना कॉम्प्लिकेटेड बताया जाता है कि टेंशन निकालने में हमको टेंशन हो जाती है। इसको हमें कैसे निकालना है? मोर वेट माइनस लेस वेट बराबर एम इंटू ए, यानी कि इसमें से जिसका वेट ज़्यादा होगा माइनस जिसका वेट कम होगा बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक। और एक ही ध्यान रहे कि अगर कोई भी दो मास एक ही रस्सी से जुड़े हैं तो उसका टेंशन जो है सेम होगा, यानी इसका और इसका टेंशन सेम होगा, ठीक। तो कैसे निकालेंगे? मोर वेट, हम मान लेते हैं कि एम टू का वेट ज़्यादा है, तो हम क्या लिख देंगे? मोर वेट। क्या? एम टू जी माइनस, यहाँ इधर क्या निकालना है? टेंशन निकालना है, तो माइनस क्या लिख देंगे? टेंशन बराबर एम टू इंटू ए, ठीक। अगर इसको हम एक तरह से और कर सकते हैं, कैसे? अगर मान लीजिए इसका वेट ज़्यादा है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? मोर, यानी कि एम वन जी माइनस टेंशन टी बराबर यहाँ पे इसी का मास, क्या? एम वन इंटू ए, ठीक। तो अगर हम इसका देखेंगे तो इसका एम टू ए लिखेंगे, अगर हम इसका देखेंगे तो इसका एम वन ए लिखेंगे, ठीक। एम वन जी माइनस टी बराबर एम वन इंटू ए, ठीक। अब इसको हम वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं कैसे आता है। पूछ रहा है कि फाइंड टी वन टी टू टी थ्री एंड टी फोर, यानी कि इसकी टेंशन टी वन टी टू टी थ्री और टी फोर बताना है। सबसे पहले हमें क्या कर रहा है कि एक्सीलरेशन निकाल लेना है। तो एक्सीलरेशन बराबर हमने क्या बताया था कि
बड़ा वेट माइनस छोटा वेट अपॉन टोटल मास। यहाँ देख लेंगे 8 6 14 है, यानी यहाँ 140 है, यहाँ 5 1 6 है, ये कम है और ये ज़्यादा है, यानी ये पूरा सिस्टम नीचे जाएगा, इधर का पूरा सिस्टम ऊपर जाएगा। तो क्या कर लेंगे 8 6 14 14 इंटू 10 कितना 140 माइनस 5 1 6 6 × 10 क्या हो जाएगा 60 अपॉन टोटल मूविंग मास। टोटल मूविंग मास कितना हो जाएगा 8 6 14 14 5 19 1 20 टोटल मूविंग मास कितना हो जाएगा 20। इसको इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा 80/20 बराबर 4 m/s², यानी कि 4 m/s से ये नीचे जा रहा है और ये 4 m/s से ऊपर जा रहा है। तो अब हम टेंशन निकालेंगे। टेंशन का हमने क्या बताया था, बड़ा माइनस छोटा बराबर m इंटू ए। सबसे पहले हम इस वाले मास की बात करते हैं, तो जब हम इस वाले मास की बात करेंगे तो हम और किसी भी मास को नहीं देखेंगे, तो हम इसकी एक सिंपली सी फोटो खींच लेंगे। ठीक, फोटो खींच के हम इसको यहाँ एक ऐसे लिख ले रहे हैं, क्या कर ले यहाँ लिख ले रहे हैं, ये कितना है 6 kg का। ठीक, इस पर टेंशन नीचे ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन T1 और नीचे क्या लग रहा है इसका मास m इंटू जी, यानी कि 6 × g। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसका हम फार्मूला, क्या लिखेंगे बड़ा, बड़ा क्या है या नीचे जा रहा है तो ये बड़ा है। ठीक, तो बड़ा क्या लिखेंगे एम जी, एम कितना है 6 × g 10 माइनस छोटा क्या है T1, T1 तो छोटा है भाई, क्यों, क्योंकि वो तो इसको रोक ही नहीं पा रहा है, ये नीचे सरासर सरासर जाया जा रहा है, तो माइनस ओ सॉरी बराबर क्या हो जाएगा एम इंटू ए, बड़ा माइनस छोटा बराबर एम ए। ठीक, तो एम कितना है इसका 6 × एक्सीलरेशन, अभी कितना निकाल लेते हैं हम लोग 4, कितना 4, तो क्या हो जाएगा 60 − T1 = 24। ठीक, तो हम इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर लेके चले जाएंगे, पक्षांतर कर लेंगे, तो पक्षांतर पर हमें पता है कि जो चिन्ह है वो बदल जाता है, ठीक साइन है बदल जाता है, तो कितना हो जाएगा 60 − 24 = हमारा T1 आ गया। ठीक, तो T1 बराबर कितना जाएगा 60 − 24 घटाएंगे कितना आ जाएगा 36 N। तो ये हमारा T1 कितना आ गया 36 N। ठीक, अब ऐसे हम T2 निकाल के देख लेते हैं। जब हम T2 को देखेंगे तो हम किसी और को नहीं देखेंगे, तो हम T2 की एक फोटो खींच के यहाँ लिख लेते हैं। T2 की जो फोटो खींच लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, इसका वेट नीचे कितना लग रहा है इस पे इसका वेट प्लस इसका वेट, क्यों, क्योंकि इस पे टोटल वेट कितना लग रहा है, इसका अकेला का तो है नहीं, इसका भी है और इसका भी है, कितना हो जाएगा 8 6 14। ठीक, यहाँ कितना लगेगा 14, यानी कि 140 N का वेट नीचे लगेगा। ठीक है, और ऊपर क्या है T2, क्या है T2। ठीक, अब इसका कैसे लिख देंगे बड़ा, बड़ा क्या है इस पे, अब इसको बड़ा क्या लिख देंगे 8 6 14 कितना 140 माइनस, अब T1 कितना लिखेंगे T2 लिख देंगे, क्या T2 बराबर m इंटू ए, तो m है 8 6 14 14 इंटू एक्सेलरेशन कितना 4, क्या है 4। ठीक, बड़ा माइनस छोटा बराबर एम ए, तो क्या हो जाएगा ये 140 − T2 = 14 × 56। ठीक, तो इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 140 − 56 = T2, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा कितना 94 T2, तो T2 हमारा कितना आ गया 94 N। ध्यान रहे, जब हम इसका निकालेंगे तो हम इसका टोटल वेट लेंगे, जिसका निकालेंगे तो इसी का वेट लेना है। ठीक, ऐसे अगर हम T3 निकालेंगे ना, ये T3 और T4 जो है सेम आएगा। सेम क्यों आएगा, क्योंकि ये पूरा सिस्टम है ना, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही रस्सी से जुड़ा हुआ है, तो T3 और T4 सेम आ जाएगा, सॉरी T3 और T2 सेम आएगा, T3 T4 नहीं, T3 और T2 सेम आएगा। ठीक, तो अब हम बचा क्या है T4 निकालने का। T4 कैसे निकालेंगे, T4 हम निकाल सकते हैं केवल इतना देखकर, कितना इतना देखकर। ठीक, तो हम इसकी एक फोटो खींच लेते हैं। ठीक, फोटो खींच के हमने यहाँ लिख लिया, क्या लिख लिया 5, इसका नीचे वेट लग रहा है mg। ठीक, और ये जा कहाँ रहा है ऊपर T से, किससे से T4 से, तो इसमें हमें क्या लिखना है बड़ा माइनस छोटा बराबर m इंटू ए, तो बड़ा इसमें क्या है T4 है, क्या है T4 माइनस छोटा क्या है mg छोटा है, क्यों, क्योंकि पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, क्या लिख देंगे m कितना है इसका 5 × g 10 = m इंटू ए, केवल इसी का मास लेना है, मास क्या
5 गुणे एक्सेलरेशन 4, कितना 4, ठीक। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ कि T4 बराबर 10 50, ठीक, T4 माइनस 50 बराबर 5 को 20, ठीक। तो T4 बराबर हो जाएगा, इसको हम इधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 70 न्यूटन, ठीक। इसी तरह से हमारी वैल्यू आ गई किसकी, T1 की, T3 की, T4 की, ठीक। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।